हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। चेक्स कोट स्टिचिंग का ये पार्ट 11 है, फाइनल पार्ट। इस वीडियो में हम लोग कोट का काजा बनाना, बटन टाकना, काजा होल बनाना और बटन टाकना सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है इरफान इंडिया वाला, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। और यहाँ साइड से हाफ इंच वन पॉइंट, आधा इंच एक सूत मार्क लगाना है। और यहाँ से वन इंच में वन पॉइंट कम, एक इंच में एक सूत कम, आप एक इंच भी लगा सकते हैं। वन टू फ्रेंड, इस तरह से मार्क लगाने के बाद यहाँ हम एक स्टिचिंग करेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ स्टिचिंग बिल्कुल छोटा लगाना है, सिलाई को छोटा करके स्टिच करना है। फ्रेंड, इस तरह स्टिच लगाने के बाद अब हम इसको कट करेंगे। तो काजा कैसे कट करना है आप लोग देखिए। दोस्तों, काजा बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है, तभी फिनिशिंग आएगा। और यहाँ काजा का जो पॉइंट है वो हम राउंड कट करेंगे गोलाई में। तो यहाँ एक कट लगाएंगे इस तरह क्रॉस में, और सेम यहाँ भी क्रॉस में कट लगा के और इसको राउंड कट करेंगे। तो इस तरह से गोलाई में कट करना है, जिस तरह मैं कट कर रहा हूँ। तो ये हमारा काजा कट हो चुका है। सेम इसी तरह हम सेकंड वाला काजा भी कट करेंगे। फ्रेंड, हमारा काजा कट हो चुका है, अब हम काजा बनाना सीखेंगे। यह है ओमेटो का थ्रेड, ओमेटो कंपनी का, और ये हमारा नीडल है सुई, और ये है अंगुस्ताना। धागा को थ्री लेयर में, तीन लेयर में लगाना है। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। याद रखिए दोस्तों, एक लेवल में पूरा मार्जिन पकड़ना है और यहाँ गैप नहीं देना है और एक के ऊपर एक चढ़ाना भी नहीं है, बिल्कुल इसके बगल में बिल्कुल सटाकर नीडल को, सुई को निकालना है इस तरह से। दोस्तों, जैसे मैं कर रहा हूँ सेम आपको फॉलो करना है। और यहाँ हमने राउंड में कट किया हुआ है गोलाई में, तो बिल्कुल गोलाई में ही जैसे कट किया हुआ है उसी तरह बराबर इक्वल एक लेवल में मार्जिन पकड़ के काजा बनाना है।
और गैप नहीं रखना है और एक के ऊपर एक चढ़ाना भी नहीं है, बिल्कुल सटा सटा कर इस तरह काजा बनाना है जिस तरह मैं बना रहा हूँ। इस कोट का वीडियो कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक मैंने कंप्लीट किया है और आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया है कि सर कोट का काजा बनाना भी बताइएगा। दोस्तों, हाथ से काजा बनाए हुए मुझे बहुत साल हो गए, कई सालों से मैंने काजा नहीं बनाया है। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं ये काजा बना रहा हूँ। हो सकता है मेरा काजा उतना अच्छा नहीं बने, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप अगर इस तरीके को फॉलो करेंगे, इसको अपनाएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका काजा बहुत अच्छा बनेगा, फिनिशिंग में बनेगा। सेम इसी तरह सेकेंड वाला काजा भी बनाना है। और अब हम लगा रहे हैं बटन का मार्किंग। तो बटन का मार्किंग कैसे लगाना है देखिए, फ्रंट को एक के ऊपर एक रखना है, ऊपर से दोनों पिक बराबर रख के अगर आपके पास पेंसिल नहीं है, मार्किंग चौक है, तो मार्किंग चौक से इस तरह से उठाकर यहाँ एक मार्क लगा लेंगे और इसको यहाँ भी इस तरह लगा लेंगे। तो ये दोनों तरीका मैंने बताया है। टू लेयर में डबल में धागा सुई में लगाना है और इसको इस तरह से बांध देंगे तो ये टोटल फोर लेयर में हो जाएगा। दोस्तों, आप बटन को दो तरह से लगा सकते हैं, एक आप यहाँ इसमें भी डाल सकते हैं और दूसरा आप इसमें डालेंगे तो क्रॉस हो जाएगा, तो हम यहाँ क्रॉस लगाएंगे। दोस्तों, बटन को हल्का उठा के लगाना है, जैसे ये बटन को बिल्कुल इसमें चिपका के नहीं लगाना है। यहाँ देखिए मेरा जो थंब है उसको देखिए, ये इसमें इस तरह से डाल के और यहाँ डालेंगे तो बटन थोड़ा हल्का उठा हुआ रहेगा, तो इसमें क्या है काजा में बटन लगाने में बिल्कुल इजी होगा। तो इस तरह से बटन को हल्का ऊंचा करके लगाना है, हल्का उठा के लगाना है फ्रंट का बटन।
तो इस तरह से फ्रंट का बटन लगाना है। और अब हम दोस्तों स्लीव में बटन लगाएंगे बाजू में। डेढ़ इंच में एक सूत कम, 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम मार्क लगाना है। हाफ इंच 1 पॉइंट गैप रखना है। स्लीव में दोस्तों आप 4 बटन भी लगा सकते हैं और 3 बटन भी लगा सकते हैं, तो हम इसमें 3 बटन लगा रहे हैं, 3 बटन। और यहाँ बिल्कुल बटन के जड़ में इसको निकाल लेना है और यहीं से हम इसको सेकेंड वाला बटन लगाएंगे इस तरह से। ये जो आपको धागा निकालना है, ये जो हमारा बटन का जहाँ गैप आएगा वहाँ निकालना है। और ये दूसरा तरीका है, देखिए इस तरह से आप यहाँ भी ऐसे भी बटन लगा सकते हैं। एक तो मैं दिखा दिया हूँ, दूसरा आप ये भी देख लीजिए, इस तरह से यहाँ डालेंगे इसमें और यहाँ डालना है। यहाँ बिल्कुल हल्का मार्जिन पकड़ना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं पकड़ना है। और वापस इसको इस तरह निकाल लेंगे अंदर की तरफ और यहाँ एक टक्की लगा देंगे। फ्रेंड्स, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है इरफान इंडिया वाला, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।